वेलकम बैक दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एनएससी सिक्किम ब्लॉग में। आज मैं ऊपर से वीडियो बनाया हूँ छंगो लेक का। देखिए कैसा बादल जा रहा है, कैसा आ रहा है, कितना सुंदर दृश्य है। आप लोग देख के मजा लीजिए। नाथुला देख पा रहे 14,140 फीट। आप लोग भी आ जाओ, घर से निकल पड़ो ठंडा का मजा लेने के लिए। काल थे गुच्छ से सिक्किम है। सिक्किमের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করব ভাই, যদি সিকিমের বিষয়ে কিছু বলতে হয় কি দুই শব্দ কি সিকিমটা দেখতে কেমন কি বলবা? অ্যাবসলিউটলি অসাম। অসাম, সবাইকে আসা একবার উচিত। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু এক্সপেরিয়েন্স হেভেন কাম হিয়ার। আরে ভাই বাংলা একটু বলে দাও, সব বাঙালি দর্শক আছে তো। যদি হেভেন দেখতে চাও অন আর্থ, এখানে আসো, বুঝতে পারবে। থ্যাংক ইউ। হ্যালো দোস্ত, গুড মর্নিং, নমস্তে, সালাম। আজ আপনার তারিখ হে 29 অক্টোবর। আমি হম লোক ফির নিকল चुके हैं नाथुला छांगू लेक बाबा मंदिर की तरफ। तो आज का कैसा वेदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, पूरा अपडेट दूंगा, कितना खर्चा लगे वो भी बताऊंगा, नॉर्थ सिक्किम का भी अपडेट दूंगा। तो बने रहे, देखते रहने सिक्किम ब्लॉग को। तो बंधुरा गुड मॉर्निंग सबाई के, नमस्ते। हमें आज के आबार आमरा बेरोलाम नाथुला दिखे। तो हमारे साथ दो भाई आछे, कोथा थेके एसेछे एबं आमार नम्बरटा किभाबे पेलो एकबार जिज्ञेस करब। ब्रदर हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आर एखन तो फार्स्ट एकटा जायगाय दाड़ा करलाम, एखन तो आमरा मेन पॉइंट गुलो एखनो बाकी आछे। তো কেমন লাগছে দেখে ভিউ গুলো? দারুন 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 জায়গা। হ্যাঁ, এখানে খুব সুন্দর স্টপ আছে, সেখানে দাঁড় করিয়েছে আমাদের জিনিস দেখানোর জন্য। হ্যাঁ, এখানে একটা ছোট ব্রেক দিয়েছে। হ্যাঁ, আর স্কিনিং ভিউ গুলো খুবই সুন্দর। এই দাদার নাম্বার আমরা পেয়েছিলাম হচ্ছে যে আপনাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল দিয়ে। দাদার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, এনএস বলো। হ্যাঁ, এনএস সিকিম ব্লগ, এনএস সিকিম ব্লগ। হ্যাঁ, এটা খুব সুন্দর। ওখান থেকে দাদার নাম্বার পেয়ে দাদার সাথে কন্টাক্ট করলাম। এদের ইনাদের কথাবার্তাও খুব ভালো, এই তারিখ হলো 29 অক্টোবর। ভাই আমাকে কালকে ইউটিউব থ্রুতে বিশ্বাস করে আমাকে অ্যাডভান্স করেছিল, ওনার সাথে কিছু ফ্রড হয়েছে কি না হয় নাই? একদম সব ঠিকঠাক, সবকিছু টাইমে আছে, একদম কোনো ব্যাপার নয়। আর আপনারাও যদি চান আমাকে বুকিং করতে পারবেন কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে। আপনার কিছু ভয় করবে না সবাই, আমি যেটাই বলবো সেটাই করি, আমার জান যায় পর বচন না যায়, ওই টাইপের লোক আমি। থ্যাংক ইউ। চলো আপ লোক সে এক ফ্যামিলি কো মিলওয়াতা হু, জো কি কাহাঁ সে আয়ে থোড়া পুছতা হু। আর আপ লোক স্যার কাহাঁ সে আয়ে? We are coming from Gujarat, Vadodara. जी सर, जी सर। Very nice service you are serving. We are very happy. जी सर, बस बस अभी हम लोग की शुरुआत की है। अभी हम लोग जाएंगे नाथुला छांगू लेक बाबा मंदिर। तो कैसा आप लोगों को लगता है फिर बाद में पूछूंगा। अभी का व्यू मस्त है ना? ठीक है, साथ में मैं भी हूँ। अब देख सकते हैं हम लोग एक साथ घूमने वाले, आज पूरा दिन भर का टूर होगा। तो बने रहिए, देखते रहिए एनएस सिक्किम ब्लॉग को, पूरा आज अपडेट दूंगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। हम जा रहे हैं अभी छांगू लेक बाबा मंदिर नाथुला, पंदावे रोड का व्यू है। दोस्तों देख सकते हैं साइड साइड में जो फ्लैग है ना, इसका खूबसूरती और बढ़ा देता है। हम लोग देख सकते हैं, हम लोग बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहा होगा आपको वीडियो के माध्यम से। देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इतना सुंदर व्यू लग रहा है देख के। देखिए बादल आगे उड़ रहा है, साइड में फ्लैग जिसको दाजा बोलते हैं, देख सकते हैं आप। आप लोगों को एक व्यू दिखाता हूँ छंगू लेक का ऊपर से। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। देखिए ये जो रास्ता है ना, हम लोग यहीं से आए हैं। अभी हम लोग नाथुला जाएंगे पहले, उसके बाद बाबा मंदिर, उसके बाद ये छांगू लेक जो नीचे पार्किंग है उधर रोकेंगे, वहां से आप लोग को पास से वीडियो बना के आप लोग को व्यू दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं व्यू मस्त, देखिएगा व्यू बहुत सुंदर व्यू है छांगू लेक ऊपर से ले रहा हूँ, और साथ में मैं भी हूँ। देख सकते हैं नीचे छांगू लेक, वापसी में उसके पास रुकेंगे, वहां से वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। आज आपको तारीख बता दूं, 29 अक्टूबर। बहुत ज़्यादा ठंड है अभी, करीबन 4-5 डिग्री है छांगू लेक पे। नाथुला में तो 1-2 डिग्री होगा। तो आप लोग अगर घर से आ रहे हो तो मोटा मोटा जैकेट, टोपी, ग्लव्स सब लेके आना। ये मैं टोपी नहीं लगाया हूँ, मेरा सर पूरा ठंडा हो जा रहा है। ऊपर नाथुला में बहुत ठंडा होगा, तो देखते रहिए, बने रहिए। हम नाथुला का व्यू दिखाएंगे, कितना बर्फ है वो भी दिखाएंगे। हाँ, आप लोग और एक बार बता दूं कि
छांगी लेक बाबा मंदिर नाथुला का एक दिन का ट्रिप होता है, सुबह जाकर शाम तक आ जाओगे सिर्फ 900 से 1000 रुपए में एक आदमी आप घूम लोगे, ये एक दिन का टूर। तो सिक्किम बुकिंग के लिए मुझे कॉल कीजिएगा, मैं ऑल सिक्किम बुकिंग कराता हूँ। थैंक यू। हमारे साथ दो भाई है, कहाँ से आए पूछता हूँ। दादा लोग आप कहाँ से आए? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, और ये व्यू कैसा छांगू का? बहुत बढ़िया व्यू है, अब बहुत अच्छे जगह पे रुका है, ब्रेकिंग व्यू है। मजा आया ना? बहुत मजा आया, जितना भी देखो मन नहीं भरता है, जितना भी देखो मन नहीं भरता है। खूबसूरत व्यू है। थैंक यू। बारह लाख पूरा छांगू लेक का व्यू 360 डिग्री इस तरह जूम करता आप लोग के लिए। ये देखिए छांगू लेक का व्यू दोस्तों, आप लोग व्यू देख सकते हैं। हम लोग अभी छांगू लेक कर ऊपर जाकर नाथुला करके बाबा मंदिर करेंगे। आज का व्यू देखिए, बादल नीचे है हम लोग ऊपर है। आज 29 अक्टूबर का पूरा व्यू आप लोग को दे रहा हूँ। देखिए बादल नीचे आ गया, अभी हम लोग ऊपर में है। देखिए इधर मेरा गाड़ी और साथ में इधर का व्यू देखिए। हेलो वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नाथुला से। ये जो ऊपर जो आप व्यू देख रहे हो ना, ये नाथुला पास है। वो जो लाल बिल्डिंग है वो इंडिया का है, सफेद बिल्डिंग जो चाइना का है, ये जो बड़ा सा बिल्डिंग दिखाया जा रहा है वो भी चाइना का है। तो अभी आज आपका तारीख है 29 अक्टूबर, अभी हम आ गए नाथुला बॉर्डर पे। तो अभी आप लोगों को ऊपर ले जाकर थोड़ा व्यू दिखाऊंगा। चलिए ऊपर का व्यू कैसा है मैं थोड़ा दिखाता हूँ, और आप लोगों को एक अपडेट दे दूँ नॉर्थ सिक्किम का। नॉर्थ सिक्किम जो कि आपका मे बी दिवाली के बाद खुलेगा, तो जैसे ही खुलेगा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा वीडियो के माध्यम से। और आप सिक्किम का बुकिंग मेरे से कर सकते हैं, ऑल सिक्किम में। आप लोगों को पता है मैं बुकिंग कराता हूँ, मेरा अपना गाड़ी अपना खुद एनजीपी, रहना खाना होटल वगैरह सब मैं अरेंज करता हूँ। तो अभी ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाकर थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट देता हूँ वीडियो क्या क्या है। बर्फ तो नहीं है, बर्फ तो अभी पूरा गल गया है, अभी बर्फ बिल्कुल खत्म हो गया। मैं यहाँ पे कभी स्नोफॉल हो सकता है। अभी जो है ना टेम्परेचर ये हाथ काम भी कर रहा है, मे भी 1-2 डिग्री टेम्परेचर है। तो आप लोग अगर घर से आ रहे हो एक ऑक्सीजन सिलेंडर कपूर ग्लव्स टोपी सब लेके आना, क्योंकि बहुत ठंड है, कभी यहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है। हम देख सकते हैं वेलकम टू नाथुला लिखा हुआ है। अगर आप नाथुला आ रहे हो ना, यहाँ पर एक दो फोटो जरूर खिंचाना, ये रिमेम्बर रहेगा। 14,140 फीट पे नाथुला बॉर्डर है। चलिए आज थोड़ा आप लोगों को नाथुला का पूरा व्यू दिखाता हूँ। बहुत लोग आए हुए हैं। ये देखिए नाथुला का, देखो मैं बोलता हूँ ना आप लोगों को बार बार कि यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे ना, थोड़ा 100-150 मीटर ऊपर चढ़ेंगे, ये तो लाल वाला बिल्डिंग है ना, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर नाथुला 0 पॉइंट है। मतलब 0 पॉइंट बोले तो जहाँ पे रास्ता एंडिंग है, खत्म है। तो आप लोग एक अपडेट दे दूँ बांग्ला बोली कि आज के डेटे नाथुलाते कोनो बरफ नहीं, सब बोले गए थे। मैं भी जिकुल समय बर्फबारी होते पा रहे नाथुलाते। आज के वेदर खूब ठंडा, एखने अपनार मे भी 1-2 डिग्री एखन आज के टेम्परेचर। तो आज के हमें चले आसि अब नाथुला अपनारे डेलि अपडेट नहीं। तो যখন বাড়িতে গিয়ে আসবেন তখন মোটামুটি জ্যাকেট টোপি গ্লাভস এগুলো সব নিয়ে আসবেন, পারলে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে আসবেন, কারণ এখানে অক্সিজেন বহুত কমই আছে। তো যে কোনো মুহূর্তে এখানে বরফবারি হতে পারে। তো আজকে ডেটে বরফ নেই, 29 অক্টোবরে আজকে নাথুলায় কোনো বরফ নেই। তো পুরো ভিউ দেখাই চলুন। ওই দেখুন নাথুলার সামনে সবাই তো ছবি তুলছে, আর পুরো ভিউ এই যে নাথুলার, নাথুলা কা পুরো ভিউ দেখিয়ে। ও যে বোর্ড হ্যাঁ নাথুলা কা इधर मेरा उंगली के पास दिखिएगा, यहाँ पर एक दो फोटो जरूर लीजिएगा फुली नाथुला का व्यू। साथ में मैं भी हूँ, आप लोग एक अपडेट दे दूँ नॉर्थ सिक्किम का। नॉर्थ सिक्किम में भी दिवाली के बाद खुल सकता है, जैसे ही खुलेगा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा वीडियो के माध्यम से। आज हम लोग नाथुला पे, बहुत ठंडे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ठंडे, 1-2 डिग्री है, कभी भी यहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है। अभी फिलहाल स्नो नहीं है नाथुला बॉर्डर पे, नाथुला बॉर्डर में कोई स्नो नहीं है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये नाथुला का फुल्ली व्यू मैं ले रहा हूँ 360 डिग्री से। आप लोगों को जानकारी दूँ कि नाथुला में अभी बर्फ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कभी भी बर्फबारी हो सकता है। ये जो लाल बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वो इंडिया का है, सफेद बिल्डिंग चाइना का है। आप लोग भी घर से निकाल पड़ो नाथुला का विजिट करने के लिए मेरे। सर जी आप लोग नाथुला बॉर्डर देख के आया, कितना ठंडा था और कैसा, कितना मजा आया? बहुत मजा आया, थोड़ा सा मजा कम हो गया क्योंकि बर्फ नहीं मिला। एक्चुअली हम वो एक्सपेक्टेशंस के साथ ही आए थे कि हमें बर्फ मिलेगा। तो भाई लोगों हाथ सुन हो गए, ठंडा इतना ज्यादा है। आप लोग अगर घर से आ रहे हो ना टोपी ग्लव्स
वगैरह लेके आने का, थोड़ा ऑक्सीजन कमी था तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी अगर होगा तो एक लेके आए। आपको अगर बंदा यहाँ पर आए और 100% बर्फ देखने को मिले वो कौन सा महीना आपको सजेस्ट करो? जनवरी, इधर में नाथुला में जनवरी फरवरी मार्च तक मिलेगा और नॉर्थ सिक्किम में अक्टूबर से अप्रैल तक मिलेगा। गुड, थैंक यू, गुड एक्सपीरियंस, थैंक यू। तो सर लोग, आप लोग कुछ अगर बोलेंगे नाथुला के बारे में दो सब क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया जगह है, सभी को एक ना एक बार तो आना ही चाहिए लाइफ में, लाइफ में एक बार आना चाहिए। और पर्टिकुलरली ये भाई के साथ है। ओहो सर जी, मैं अच्छे से घुमा रहा हूँ ना आप लोग को? बहुत अच्छा। इधर माँ जी भी है, पिताजी भी है, भाई लोग पीछे बैठा हुआ है, हमारे गाड़ी में 9 लोग है। तो आप लोग भी अगर सिक्किम टूर करना चाहते हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। गुजराती खाने के साथ आना, हम लोग गुजराती खाना आज बहुत इंजॉय किया। देख सकते हैं हमारे देश का झंडा जब उठता है ना कितना सुंदर लगता है। ये बाबा मंदिर के पास है झंडा, सामने में लिखा है बाबा हरभजन सिंह टेम्पल और साथ में ये जो फ्लैग है ना इंडिया का, कितना सुंदर लगता है देख के, दिल को शांति मिलता है। हमने बाबा जी का मंदिर का गेट सामने देख सकते हैं, बाबा जी का मंदिर बहुत भीड़ है। अभी हम आए हुए हैं आज 29 अक्टूबर, चले अंदर थोड़ा व्यू दिखाता हूँ अगर हो सके तो। देख सकते हैं बाबा जी का मंदिर के अंदर हम लोग घुस रहे हैं, देखिए कितना आर्मी लोग बहुत मानते हैं इसको, बाबा जी का पूरा मंदिर है, बहुत भीड़ है। देख सकते हैं बाबा जी का मंदिर, हरभजन सिंह जी का मंदिर, उधर लिविंग रूम भी है, ऑफिस भी है, अभी देश के लिए ड्यूटी कर रहे हैं ऐसा माना जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा सामने, ये हम लोग चाइना बॉर्डर के पास है। तो अभी चाइना बॉर्डर का जो चाइना का टाइम है वो पकड़ लिया, अभी 3:13 दिखा रहा है। और एक इंडिया का टाइम देखिए, इंडिया का टाइम देखिए, दोनों साथ में लेकर मैं आया हूँ, 12:43 और चाइना का टाइम जो है 3:13। ये नाथुला के पास ये टाइम पकड़ लेता है किसी किसी मोबाइल। दोस्तों अगर आप लोग छंगो आ रहे हो याक राइड जरूर करना, देखो याक खड़े आप लोग के लिए रेडी है। देख सकते हैं आप लोग ये छंगू लेक पे याक राइड कर रहा है भाई लोग, देखिए ये भी बैठा हुआ है याक का ऊपर। और हाथ हिला दे, ओए इतना हाथ हिला दे, हाथ हिला दे। दोस्तों पूरा छंगू लेक का व्यू, तो अभी हम छंगू लेक पे देख सकते हैं व्यू, ये देखिए छंगू लेक का 360 डिग्री व्यू। अभी वजह थोड़ा खराब हो गया, वजह थोड़ा खराब होने के कारण हल्का हल्का बूंदाबूंदी बारिश हो रहा है, तो आज तो बर्फ नहीं गिरा ना नाथुला पे ना इधर छंगू लेक पे बर्फ गिर रहा है। तो आज आपका 29 अक्टूबर 2024 का वीडियो मैं छंगू लेक से समाप्त करता हूँ। अब सिक्किम के लिए मुझे बुकिंग कर सकते हैं, और बहुत लोगों का फ़ोन आता है, फ़ोन करते रहेगा। अगर किसी का फ़ोन मैं रिसीव ना कर पाऊँ या फिर फ़ोन ना लगे, अब शाम को फ़ोन कीजिएगा, शाम को मेरा फ़ोन लगता है। जैसे कि मैं टूर पर जब रहता हूँ तब तो नेटवर्क नहीं रहता है, या फिर मैं गाड़ी चलाने टाइम में इधर पहाड़ों का रास्ता है तो फ़ोन में पिकअप नहीं कर सकता। तो जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, और बने रहिए देखते रहिए एनएससी के ब्लॉग को। आज के वीडियो में संगो से सब्सक्राइब करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।